हेलो एवरीवन, शेक हैंड विद लाइफ यूट्यूब चैनल के इस एपिसोड में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं नरेंद्र शर्मा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्वालिटी अश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल के बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्वालिटी अश्योरेंस क्या है और क्वालिटी कंट्रोल क्या है, क्या दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, यही सारी बातें आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्वालिटी अश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल को लेकर बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में मुझे बहुत सारे लोगों के अंदर कंफ्यूजन देखने को मिला। जिस तरह के क्वालिटी अश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल एक ही है, लेकिन ऐसा है नहीं। क्वालिटी अश्योरेंस अलग है, क्वालिटी कंट्रोल अलग है। क्वालिटी अश्योरेंस की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्वालिटी कंट्रोल की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। क्वालिटी कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव अलग हैं और क्वालिटी अश्योरेंस के ऑब्जेक्टिव अलग हैं, यहां तक कि दोनों की डेफिनेशंस भी अलग अलग हैं। तो ये सारी बातें आज मैं आपको एकदम डिटेल्ड वे में आपको समझाऊंगा कि क्वालिटी अश्योरेंस क्या है और क्वालिटी कंट्रोल क्या है और दोनों में क्या डिफरेंसेस है। लेकिन मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आप शेक हैंड विद लाइफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरा आने वाला कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और उसका नोटिफिकेशंस जैसे ही वो अपलोड हो आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं क्वालिटी अश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल। तो सबसे पहले समझते हैं अश्योरेंस का मतलब क्या है और कंट्रोल का मतलब क्या है, दोनों की मीनिंग क्या है। तो अगर बात करें अश्योरेंस की, तो अश्योरेंस क्या है? अश्योरेंस का मतलब होता है प्रॉमिस, बिलीफ या कॉन्फिडेंस। जैसे ए पॉजिटिव डिक्लेरेशन इंटेंडेड टू गिव कॉन्फिडेंस। एक पॉजिटिव डिक्लेरेंस जो कि इसलिए बनाया गया है जिससे कि कॉन्फिडेंस मिल सके, जिससे कि कोई प्रॉमिस को डिक्लेयर किया जा सके। जैसे कि लाइसेंस का होना, कार चलाने के लिए लाइसेंस का होना। लाइसेंस अपने आप में डिक्लेयर करता है कि जो भी व्यक्ति के पास लाइसेंस है, इससे ये पता लगता है कि उस पर्सन को कार चलाना आता है। ये कॉन्फिडेंस मिलता है, जैसे कि रेगुलेटरी अथॉरिटीज जब लाइसेंस को चेक करती हैं तो ये कंफर्म करती हैं कि लाइसेंस होने का मतलब है उस पर्टिकुलर पर्सन को कार चलाना आता है। ये है अश्योरेंस, यानी कि कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करना। अश्योरेंस का मतलब होता है कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करना। अब बात करते हैं कंट्रोल की। तो कंट्रोल का मीनिंग क्या होता है? कंट्रोल का मतलब होता है मेक और रन इन एन ऑर्डर और विद इन द लिमिट। किसी चीज को बनाना या किसी चीज को रन करना एक ऑर्डर के अंदर या विद इन द लिमिट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, हैविंग फुल कंट्रोल व्हाइल ड्राइविंग ए कार। जैसे अश्योरेंस के अंदर लाइसेंस क्या प्रोवाइड करता है? कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है। लेकिन जब आप एक्चुअल में कार चलाते हैं या कोई पर्सन एक्चुअल में कार चलाता है तो स्टीयरिंग के ऊपर उसका कैसा कंट्रोल है, ब्रेक के ऊपर उसका कैसा कंट्रोल है, क्या वो सारे साइंस समझता है, क्या उसे कहां पे कार रोकनी चाहिए, किस स्पीड लिमिट पे उसे कार चलानी चाहिए, ये सारी बातें टेस्ट की जा सकती हैं। यानी कि इन सब बातों पे उसका कंट्रोल होना जरूरी है, तभी वो अच्छी तरह से या बिना कोई एक्सीडेंट किए कार चला सकता है। इसलिए कंट्रोल का मतलब है एन एबिलिटी टू रन समथिंग इन एन ऑर्डरली वे। किसी चीज को चलाना एक ऑर्डरली वे में। अब जैसे कार के बारे में बात कर रहे हैं, तो कार को अगर ऑर्डरली वे में चलाना है तो उस पर कंट्रोल होना जरूरी है। और उस पर कंट्रोल होने का मतलब है स्टीयरिंग के ऊपर कंट्रोल, ब्रेक के ऊपर कंट्रोल, है ना, और सारे रोड के ऊपर चलाते हुए सारे नियमों को फॉलो करना। ये सारी बातें उस पर्सन को पता होनी चाहिए, उस पर्सन का कंट्रोल कार के ऊपर होना चाहिए। तो अश्योरेंस का मतलब आपको समझ में आया होगा, कंट्रोल का मतलब आपको समझ में आया होगा।
अब क्वालिटी अश्योरेंस क्या है और क्वालिटी कंट्रोल क्या है, यानी कि क्वालिटी वर्ड अश्योरेंस के साथ किस तरह से जुड़ा हुआ है और कंट्रोल के साथ किस तरह से जुड़ा हुआ है, उसे अब हम समझते हैं। आइए अब क्वालिटी को अश्योरेंस के साथ रिलेट करके क्वालिटी अश्योरेंस को समझते हैं और क्वालिटी को कंट्रोल के साथ रिलेट करके क्वालिटी कंट्रोल को भी समझते हैं। देखिए यहां पर इस स्लाइड में तीन सिचुएशंस दी गई है क्वालिटी के अंडर। पहली सिचुएशन है क्यू इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई ई ग्रेटर देन वन, और दूसरी सिचुएशन है क्यू इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई ई इक्वल टू वन, और तीसरी सिचुएशन है क्यू इक्वल टू पी डिवाइडेड बाई ई लेस देन वन। अब पहली सिचुएशन को देखिए, पहली सिचुएशन के अंदर एक्सपेक्टेड डिफेक्टिव्स हैं इक्वल टू 1%, यानी कि कोई ऑर्गेनाइजेशन, सपोज कीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन पेन मैन्युफैक्चर करती है, तो वो अपने क्लाइंट को या अपने कस्टमर को ये अश्योर करती है कि जितने भी पार्ट्स वो मैन्युफैक्चर करके देगी उसके अंदर 1% ही पेन डिफेक्टिव मिल सकते हैं, 1% से ज्यादा नहीं। ये अश्योरेंस वो क्वालिटी अश्योरेंस उसको प्रोवाइड करती है, ये ऑर्गेनाइजेशन ये क्वालिटी का अश्योरेंस अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करती है, ठीक है। और इसी के साथ लेकिन जब एक्चुअल में पेन मैन्युफैक्चर होकर के ऑर्गेनाइजेशन के पास जाते हैं तो जो क्लाइंट है उसे मालूम पड़ता है कि एक्चुअल में जो डिफेक्टिव पेन है वो लेस देन 1% है। तो ये कौन सी सिचुएशन है? ये वो सिचुएशन है जहां पर जो क्वालिटी अश्योरेंस दिया गया था, जो कॉन्फिडेंस दिया गया था क्लाइंट को, वो कंट्रोल है, यानी कि जो पेन जितने भी पेन मैन्युफैक्चर किए गए उसमें 1% से कम ही पेन डिफेक्टिव मिले। तो यहां पर अश्योरेंस को कंट्रोल किया गया, यानी कंट्रोल का मतलब क्या है, जब पेन एक्चुअल में मैन्युफैक्चर किए जा रहे थे तो डिफेक्टिव्स को कंट्रोल किया गया। अब दूसरी सिचुएशन पर आते हैं, तो पहली सिचुएशन में जो क्वालिटी होगी वो अबव पार होगी, यानी कि जितना एक्सपेक्टेड था उससे ज्यादा बेहतर ऑर्गेनाइजेशन ने अपने क्लाइंट को दिया है। तो ऐसे केसेस में क्लाइंट जो है लाइफ लॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन के साथ बना रहता है, क्योंकि जो अश्योरेंस दिया गया उसे फुलफिल कर दिया गया। तो जो अश्योरेंस दिया गया यानी कि एक्सपेक्टेड क्या था, 1% था डिफेक्टिव, और एक्चुअल में क्या मिला, लेस देन 1% डिफेक्टिव मिले, तो क्वालिटी अश्योरेंस भी हुआ और क्वालिटी कंट्रोल भी हुआ। अब दूसरी सिचुएशन में आते हैं, दूसरी सिचुएशन क्या है कि क्यू इक्वल टू पी डिवाइडेड बाय ई इक्वल टू वन। अब इस केस में क्या है, परफॉर्मेंस और एक्सपेक्टेशंस दोनों ही बराबर हैं। अब एक्सपेक्टेशंस क्या थी, एक्सपेक्टेशंस थी कि एक्सपेक्टेड डिफेक्टिव्स जो क्लाइंट्स को मिलेंगे वो 1% मिलेंगे, लेकिन एक्चुअल में जो डिफेक्टिव मिले मैन्युफैक्चर होने के बाद, जो डिफेक्टिव पेन मिले वो थे, वो भी 1% ही मिले, यानी कि जितना अश्योर किया गया था उतना ही डिफेक्टिव क्लाइंट को मिल रहा है, ना उससे ज्यादा मिला ना उससे कम मिला, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस थी वही जो ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेक्टेड डिफेक्टिव थे जो अश्योर किए गए थे उतनी ही परफॉर्मेंस हुई, यानी कि कंट्रोल के दौरान जब डिफेक्टिव्स को कंट्रोल किया गया तो वो लेस देन 1% डिफेक्टिव्स को कंट्रोल नहीं कर पाई ऑर्गेनाइजेशन, और क्लाइंट के पास 1% ही डिफेक्टिव चला गया। तो ये दूसरी सिचुएशन है। अब तीसरी सिचुएशन में आते हैं, इस सिचुएशन में क्या है, एक्सपेक्टेड डिफेक्टिव्स तो वही है 1%, लेकिन एक्चुअल डिफेक्टिव्स ग्रेटर देन 1% है आपके पास। तो इस केस में क्या हुआ, जो अश्योरेंस था वो फुलफिल नहीं हुआ, हो पाया, क्वालिटी अश्योरेंस फुलफिल नहीं हो पाया। इस केस में क्या हुआ, जो डिफेक्टिव्स थे वो कंट्रोल नहीं हो पाए, यानी कि जब एक्चुअली पेन मैन्युफैक्चर किए जा रहे थे तो डिफेक्टिव पेन्स को कंट्रोल नहीं किया जा सका और डिफेक्टिव पेन्स जो हैं क्लाइंट के पास मोर देन 1% चले गए, तो यानी कि परफॉर्मेंस यहां एक्सपेक्टेड से लो रह गई, और इसलिए क्वालिटी कंट्रोल जो है वो अश्योरेंस को फुलफिल नहीं कर पाया, क्वालिटी को, क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पाया। तो इस तरह से क्वालिटी अश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल, यानी कि क्वालिटी वर्ड अश्योरेंस के साथ और कंट्रोल के साथ जुड़ा हुआ है। तो आई होप कि आपको मीनिंग के तौर पर, यानी कि मतलब क्या है
क्वालिटी अश्योरेंस और कंट्रोल के, और क्वालिटी अश्योरेंस के साथ किस तरह से रिलेट करता है और क्वालिटी कंट्रोल के साथ किस तरह से रिलेट करता है, यह आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं और डिटेल्ड डेफिनेशंस के अंदर। तो आईएसओ 9001 के अकॉर्डिंग क्वालिटी अश्योरेंस की डेफिनेशन क्या है और क्वालिटी कंट्रोल की डेफिनेशन क्या है, उसे देखते हैं। तो सबसे पहले क्वालिटी अश्योरेंस को देखते हैं। ए पार्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग कॉन्फिडेंस दैट क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स विल बी फुलफिल्ड। क्वालिटी मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है क्वालिटी अश्योरेंस, जिसका काम क्या होता है, जिसका फोकस इस बात पर होता है कि क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर दी जाएंगी, इस बात का कॉन्फिडेंस वो क्लाइंट को प्रोवाइड करता है। प्रोवाइडिंग कॉन्फिडेंस दैट क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स विल बी फुलफिल, क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर दिया जाएगा। इट रिलेट्स टू हाउ ए प्रोसेस इज परफॉर्म्ड और हाउ ए प्रोडक्ट इज मेड। ये क्या बताता है कि कैसे एक प्रोसेस परफॉर्म करेगा और कैसे एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है, ये उससे रिलेट करता है। अब बात करते हैं क्वालिटी कंट्रोल की। तो क्वालिटी कंट्रोल क्या कहता है, ए पार्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट फोकस्ड ऑन फुलफिलिंग क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स। क्वालिटी कंट्रोल कहता है ये भी एक पार्ट है, क्वालिटी कंट्रोल भी क्वालिटी मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है, जिसका फोकस है क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स को एक्चुअली फुलफिल करना। जो कॉन्फिडेंस क्वालिटी अश्योरेंस ने प्रोवाइड किया था क्लाइंट को, अब उस कॉन्फिडेंस को एक्चुअली फुलफिल करके देना है। जैसे एक्सपेक्टेड था 1% डिफेक्टिव्स का, और एक्चुअली भी 1%, एक्चुअली अगर 1% से लेस ही डिफेक्टिव रहे तो इसका मतलब क्या है, क्वालिटी कंट्रोल में है। तो ये है क्वालिटी कंट्रोल की डेफिनेशन आईएसओ 9001 के अकॉर्डिंग। इट इज मोर द इंस्पेक्शन एस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट, ये इंस्पेक्शन एस्पेक्ट से ज्यादा होता है। इसके अंदर मेजरमेंट भी है, इस इंस्पेक्शन के अलावा मेजरमेंट भी है, इसके अंदर टेस्टिंग भी है। तो इसके अंदर काफी सारी एक्टिविटीज हैं जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज इंक्लूड की जाती हैं। तो ये डेफिनेशंस हैं क्वालिटी अश्योरेंस की और क्वालिटी कंट्रोल की आईएसओ 9001 के अकॉर्डिंग। आइए अब फंक्शनल डेफिनेशंस को देखते हैं कि फंक्शनल डेफिनेशंस क्या कहती हैं क्वालिटी अश्योरेंस की और क्वालिटी कंट्रोल की। तो क्वालिटी अश्योरेंस की फंक्शनल डेफिनेशन क्या है, ऑल द प्लान्ड एंड सिस्टमेटिक एक्टिविटीज इंप्लीमेंटेड विद इन द क्वालिटी सिस्टम that can be demonstrated to provide confidence that a product or service will fulfill requirements for quality. वो सारी planned और systematic activities किसी भी quality system के अंदर जिससे ये demonstrate किया जा सके कि जो भी quality requirements हैं उन्हें fulfill कर दिया जाएगा। Example के रूप में हम यहाँ quality audit को ले सकते हैं। तो क्वालिटी ऑडिट की हेल्प से ये डिमॉन्स्ट्रेट किया जा सकता है कि क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया कर दिया जाएगा, या इसे हम कह सकते हैं कॉन्फिडेंस प्रोवाइड किया जा सकता है क्वालिटी ऑडिट की हेल्प से। अब बात करते हैं क्वालिटी कंट्रोल की। तो क्वालिटी कंट्रोल की ऑपरेशनल डेफिनेशन क्या है, यानी कि जब एक्चुअल में काम किया जा रहा होगा क्वालिटी कंट्रोल के अंदर, क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए, तो ऑपरेशनल टेक्निक्स एंड एक्टिविटीज यूज्ड टू फुलफिल रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्वालिटी व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग ए प्रोडक्ट। ऐसी ऑपरेशनल एक्टिविटीज जिनकी हेल्प से क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया जा सकता है जब एक्चुअल में प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है, यानी कि उसके स्पेसिफिकेशन को वेरीफाई करके, ये ऑपरेशनल एक्टिविटीज हैं, और इंस्पेक्शन के थ्रू या टेस्टिंग के थ्रू, प्रोडक्ट की टेस्टिंग के थ्रू प्रोडक्ट के जो स्पेसिफिकेशंस हैं उनको मेजर करके, ये सारी ऑपरेशनल एक्टिविटीज हैं जिनकी हेल्प से क्वालिटी को कंट्रोल किया जा सकता है। आइए अब बात करते हैं इवोल्यूशन के बारे में, क्वालिटी कंट्रोल कब इवॉल्व हुआ और क्वालिटी अश्योरेंस कब इवॉल्व हुआ। तो यहां पहले क्वालिटी कंट्रोल को ले लेते हैं, क्योंकि पहले क्वालिटी कंट्रोल ही इवॉल्व हुआ। सो क्वालिटी कंट्रोल इवॉल्व होता है 1920s के अंदर, फॉलोइंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड राइज मास प्रोडक्शन
it became important to better define and control the quality of the products. 1920s के अंदर मास प्रोडक्शन शुरू हो गया था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका था और मास प्रोडक्शन शुरू हो चुका था। तो उसी समय पर इस बात की जरूरत महसूस हुई कि अब प्रोडक्ट को बेहतर, प्रोडक्ट की क्वालिटी को बेहतर तरीके से डिफाइन किया जाए और बेहतर तरीके से कस्टमर को प्रोवाइड किया जाए। इसलिए क्वालिटी कंट्रोल 1920s में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के साथ ही आ जाता है, इवॉल्व होता हो जाता है। अब क्वालिटी अश्योरेंस की अगर हम बात करें तो क्वालिटी अश्योरेंस का इवोल्यूशन हुआ 1950s के अंदर। द क्वालिटी प्रोफेशन एक्सपेंडेड टू इंक्लूड द क्वालिटी अश्योरेंस एंड क्वालिटी ऑडिट फंक्शंस। अब जब क्वालिटी प्रोफेशन ज्यादा एक्सपेंड हुआ, क्वालिटी की डिमांड ज्यादा बढ़ने लगी, प्रोडक्ट ज्यादा सिलेक्टिव हो गए, लोग चूज करके प्रोडक्ट को लेने लगे, तो क्वालिटी अश्योरेंस की डिमांड बढ़ गई। तो क्वालिटी प्रोफेशन के अंदर क्वालिटी अश्योरेंस इंक्लूड हुआ, जो कि ये कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कर सके कस्टमर को या क्लाइंट को कि क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर दिया जाएगा। ओके, आइए अब बात करते हैं फोकस की। क्वालिटी अश्योरेंस का फोकस क्या है और क्वालिटी कंट्रोल का फोकस क्या है। सबसे पहले बात करते हैं क्वालिटी अश्योरेंस की। तो क्वालिटी अश्योरेंस का फोकस देखिए क्या कहता है। फंडामेंटली फोकस्ड ऑन प्लानिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग दोज प्रोसेसेस टू अश्योर क्वालिटी सच एज क्वालिटी प्लान्स, इंस्पेक्शन प्लान्स एंड टेस्ट प्लान्स। तो क्वालिटी अश्योरेंस फंडामेंटली प्लानिंग और डॉक्यूमेंटिंग प्रोसेस, अलग अलग जो प्रोसेसेस हैं उनके प्लानिंग और डॉक्यूमेंटिंग के ऊपर फोकस करता है, जिससे कि क्वालिटी को अश्योर किया जा सके। इसके अंदर जैसे क्वालिटी प्लान के लिए डॉक्यूमेंट तैयार करना, इंस्पेक्शन प्लान के लिए डॉक्यूमेंट तैयार करना और टेस्ट प्लान के लिए डॉक्यूमेंट तैयार करना। क्वालिटी प्लान के अंदर किस तरह से क्वालिटी को फॉलो किया जा सकता है, क्या प्रोसेस के क्या पैरामीटर होंगे क्वालिटी को फुलफिल करने के लिए, क्वालिटी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए। और इंस्पेक्शन प्लान के अंदर मतलब किन चीजों का इंस्पेक्शन करना है, किस फ्रीक्वेंसी में इंस्पेक्शन करना है। इसी तरह से टेस्ट प्लान तैयार करना, कौन से टेस्ट किए जाएंगे प्रोडक्ट के ऊपर और किस वैल्यू पर जाकर के प्रोडक्ट को फेल अनाउंस कर दिया जाएगा। तो इस तरह के डॉक्यूमेंट तैयार करना। अब बात करते हैं क्वालिटी कंट्रोल की। तो क्वालिटी कंट्रोल के अंदर फोकस के ऊपर, किस बात के ऊपर फोकस किया गया है। फिजिकली वेरीफाई दैट द प्रोडक्ट कन्फर्म्स टू दीज प्लांड अरेंजमेंट्स थ्रू इंस्पेक्शन, मेजरमेंट एंड टेस्टिंग। अब जो क्वालिटी प्लान तैयार किया गया, जो इंस्पेक्शन प्लान तैयार किया गया या जो टेस्ट प्लान तैयार किया गया, जो डॉक्यूमेंट तैयार किए गए, उनके अकॉर्डिंग अब प्रोसेस और प्रोडक्ट के पैरामीटर्स को एक्चुअली या फिजिकली वेरीफाई करता है क्वालिटी कंट्रोल, जिससे कि क्वालिटी को कंफर्म किया जा सके। तो इसके अंदर इंस्पेक्शन एक्चुअली के जो प्रोसेस के जो पैरामीटर्स हैं उनको इंस्पेक्ट करना फिजिकली, प्रोडक्ट के जो पैरामीटर हैं उनको इंस्पेक्ट करना फिजिकली, जैसे कि डिजाइन पैरामीटर जो भी हैं प्रोसेस के और जो प्रोडक्ट के जो डिजाइन पैरामीटर हैं उनको फिजिकली, जैसे लेंथ है, विड्थ है, हाइट है और वॉल्यूम है, इन सबको फिजिकली वेरीफाई करना। इसी तरह से जो टेस्ट प्लान तैयार किया गया है, किस फ्रीक्वेंसी पे टेस्ट करना है प्रोडक्ट को और किस वैल्यू पे टेस्ट करना है, किस वैल्यू के बाद प्रोडक्ट फेल हो जाएगा, उसको फिजिकली वेरीफाई करता है क्वालिटी कंट्रोल। आइए अब क्वालिटी अश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल की कुछ की एक्टिविटीज को देखते हैं। सबसे पहले क्वालिटी अश्योरेंस की कुछ की एक्टिविटीज को देखते हैं। तो इनको गौर से पढ़िए और समझिए कि दोनों में अंतर क्या है। तो सबसे पहले क्वालिटी अश्योरेंस की की एक्टिविटीज को देखते हैं। डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी प्लान, डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी प्लान, डेवलपमेंट ऑफ इंस्पेक्शन प्लान, डेवलपमेंट ऑफ एसओपीज, इवेल्युएशन ऑफ क्वालिटी सिस्टम थ्रू ऑडिट्स, प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। सो क्वालिटी अश्योरेंस के अंदर क्या है, डेवलपमेंट है, इवेल्युएशन है, क्वालिटी ऑडिट है और प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। तो इस तरह की एक्टिविटीज जो है, जहां पे प्रिपरेशन है, डेवलपमेंट है या इवेल्युएशन है,
ये सारी एक्टिविटी इस तरह की एक्टिविटीज होंगी वो क्वालिटी अश्योरेंस के अंदर होंगी। अब की एक्टिविटीज ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, अब देखिए इनमें किस तरह की वर्डिंग का इस्तेमाल हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्वालिटी प्लान, क्योंकि यहां पर ऑपरेशनल एक्टिविटी है इसलिए यहां पर इम्प्लीमेंटेशन जैसे वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, फॉलो द इंस्पेक्शन प्लान, इंस्पेक्शन प्लान को फॉलो करना, क्योंकि जब आप ऑपरेशनली फिजिकली चीजों को वेरीफाई करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, तो आप इंस्पेक्शन प्लान को फॉलो कर रहे हैं। इसी तरह से फॉलो द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एसओपीस को फॉलो करना, कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट थ्रू इंस्पेक्शन, क्वालिटी को कंट्रोल कैसे करेंगे, बार बार इंस्पेक्ट करके, इंस्पेक्शन की फ्रीक्वेंसी रख करके, एक रेगुलर फ्रीक्वेंसी के बाद प्रोडक्ट को इंस्पेक्ट करके, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एज पर डॉक्यूमेंटेशन, और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना जैसा कि डॉक्यूमेंट में प्लान किया गया था। तो दोनों के अंदर आप वर्डिंग देखेंगे, एक में प्रिपरेशन है, प्लान है, डॉक्यूमेंटेशन है, ऑडिट है, लेकिन कंट्रोल के अंदर इम्प्लीमेंटेशन है, फॉलोअप है, कंट्रोल है, और इम्प्लीमेंटेशन जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि यहां पर ऑपरेशनल एक्टिविटीज है। आइए अब क्वालिटी अश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल के ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं। क्वालिटी अश्योरेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है और क्वालिटी कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव क्या है? तो क्वालिटी अश्योरेंस के ऑब्जेक्टिव को अगर हम स्टडी करते हैं तो प्रायोरिटाइज द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स एंड ट्रांसलेट्स देम विद द हेल्प ऑफ इंजीनियरिंग टीम इनटू टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको प्रायोरिटाइज करना और फिर उन्हें ट्रांसलेट करना किस में, टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स में, या हम कह सकते हैं क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स में। किसकी हेल्प से? इंजीनियरिंग टीम की हेल्प से। और ये कैसे करता है क्वालिटी अश्योरेंस? क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट की हेल्प से। सो क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट के अंदर हाउस ऑफ क्वालिटी को बनाया जाता है, हाउस ऑफ क्वालिटी को बिल्टअप किया जाता है, फॉर्म किया जाता है, जिसके अंदर जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स है उनको प्रायोरिटाइज करके टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स में बदला जाता है इंजीनियरिंग टीम की हेल्प से, और जो कस्टमर का जो एग्जीक्यूटिव है कस्टमर की तरफ से या जो क्लाइंट की तरफ से जो भी एग्जीक्यूटिव है उनके साथ मिलकर। अब क्वालिटी कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव क्या है? सो क्वालिटी कंट्रोल का ऑब्जेक्टिव है इंस्पेक्ट द टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस एंड कंफर्म अगेंस्ट द स्पेसिफिकेशन टू मीट द कस्टमर रिक्वायरमेंट्स। अब क्योंकि ऑपरेशनल एक्टिविटीज शामिल है क्वालिटी कंट्रोल के अंदर, तो इसके अंदर इंस्पेक्ट करना, टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को इंस्पेक्ट करना और उन्हें फिजिकली वेरीफाई करना कि जो भी डिजाइन स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग वो है या नहीं है, उन्हें फिजिकली वेरीफाई करना, जिससे कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को या यूं कहें कि क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया जा सके या फुलफिल करता है क्वालिटी कंट्रोल इसकी हेल्प से, इंस्पेक्शन की हेल्प से। तो इसके अंदर किस तरह की एक्टिविटीज या एग्जांपल के रूप में हम कौन सी एक्टिविटीज ले सकते हैं, वो है मेजरिंग द प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस, एग्जामिनिंग एंड टेस्टिंग टू गेज वन और मोर कैरेक्टरिस्टिक्स। सो प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स को एग्जामिन करके, मेजर करके और टेस्ट करके। सो इस तरह से क्वालिटी कंट्रोल जो है अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करता है। आइए अब देखते हैं क्वालिटी अश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल करते क्या है। सो क्वालिटी अश्योरेंस क्या करता है, सबसे पहले उसे देखते हैं। प्रिवेंशन ऑफ क्वालिटी प्रॉब्लम्स थ्रू प्लान्ड एंड सिस्टमेटिक एक्टिविटीज इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंटेशन, फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एसओपीस, कंट्रोल प्लान, इंस्पेक्शन प्लान, क्वालिटी प्लान और एफएमईए इसमें इंक्लूड होते हैं। सो क्वालिटी अश्योरेंस क्या करता है, प्लान्ड और सिस्टमेटिक एक्टिविटीज की हेल्प से, जिसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन भी शामिल है, उनकी हेल्प से क्वालिटी प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करता है, क्वालिटी प्रॉब्लम्स को होने से पहले ही प्रिवेंट कर देता है। तो इसके अंदर किस तरह के डॉक्यूमेंट तैयार करता है क्वालिटी अश्योरेंस? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, क्वालिटी प्लान्स, इंस्पेक्शन प्लान्स तैयार करता है और एफएमईए जैसे डॉक्यूमेंट्स को तैयार करता है और कंट्रोल प्लान भी तैयार करता है। अब बात करते हैं क्वालिटी कंट्रोल की। क्वालिटी कंट्रोल क्या करता है? अचीव एंड मेंटेन द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट
प्रोसेस एंड सर्विस यूजिंग एक्टिविटीज एंड टेक्निक्स जैसे कि 100% इंस्पेक्शन, मेजरमेंट्स, गेज R&R एंड एट्रीब्यूट R&R एंड टेस्टिंग। तो क्वालिटी कंट्रोल प्रोडक्ट प्रोसेस और सर्विस इन सब की क्वालिटी को अचीव करता है और फिर उसे मेंटेन करके रखता है। और इसमें किस तरह की एक्टिविटीज वो इंक्लूड करता है, वो है एग्जामिनिंग, मेजरमेंट्स, गेज R&R, एट्रीब्यूट R&R, इंस्पेक्शन, टेस्टिंग। इस तरह की एक्टिविटीज की हेल्प से वो क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोसेस की क्वालिटी और सर्विस की क्वालिटी को अचीव करता है और फिर उसे मेंटेन करके रखता है। तो क्वालिटी अश्योरेंस को हमने देखा कि वो क्वालिटी प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करता है सिस्टमैटिक एक्टिविटीज के थ्रू। अब ये सिस्टमैटिक एक्टिविटीज के थ्रू कैसे क्वालिटी प्रॉब्लम्स को प्रिवेंट करता है वो अब हम देखते हैं क्वालिटी अश्योरेंस में। तो क्वालिटी अश्योरेंस क्या करता है, इसके लिए एस्टेब्लिश ए गुड क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड द असेसमेंट ऑफ इट्स एडिक्वेसी। एक बेहतर और एक अच्छा क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एस्टेब्लिश करता है और फिर इस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को की एडिक्वेसी को असेस करता है एंड कन्फर्मेंस ऑडिट ऑफ ऑपरेशन सिस्टम। और जो ऑपरेशन सिस्टम है जिसके थ्रू प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है या प्रोसेस को डिजाइन किया जाता है उसको ऑडिट करता है और कंफर्म करता है कि ये एक बेहतर और अच्छा या क्वालिटी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर सकता है। साथ साथ रिव्यू करता है उस ऑपरेशन सिस्टम को टाइम टू टाइम। और इसके अंदर किस तरह की एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं वो हैं जैसे कि प्रोडक्ट ऑडिट, प्रोसेस ऑडिट और सिस्टम ऑडिट। दूसरी तरफ क्वालिटी कंट्रोल क्या करता है, क्वालिटी कंट्रोल प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोसेस की क्वालिटी और सर्विस की क्वालिटी को अचीव करता है और मेंटेन करता है। लेकिन ये कैसे करता है, तो क्वालिटी कंट्रोल क्या करता है, फाइंडिंग एंड एलिमिनेटिंग द कॉजेज ऑफ क्वालिटी प्रॉब्लम्स थ्रू टूल्स एंड इक्विपमेंट सो दैट कस्टमर रिक्वायरमेंट्स आर कॉन्टिन्यूली मेट। और इसके अंदर किस तरह की एक्टिविटीज इंक्लूड होती हैं, जैसे कि टूल्स एंड टेक्निक्स हैं, वाई एनालिसिस कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम की हेल्प से, व्हाट इज एंड व्हाट इज नॉट मैट्रिक्स का यूज करके। तो क्वालिटी कंट्रोल क्या करता है, जो क्वालिटी प्रॉब्लम्स हैं उनके कॉजेज को फाइंड आउट करता है और उनको एलिमिनेट करता है जिससे कि जो क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको कंटिन्यूअली मीट किया जा सके और कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया जा सके। अब डिफेक्ट कंट्रोल, डिफेक्ट कंट्रोल में क्वालिटी अश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल क्या रोल प्ले करते हैं, आइए स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्वालिटी अश्योरेंस को, क्वालिटी अश्योरेंस क्या रोल प्ले करता है डिफेक्ट कंट्रोल में। प्रेडिक्शन ऑफ पोटेंशियल डिफेक्ट्स राइट फ्रॉम द प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड द प्रोसेस डिजाइन। क्वालिटी अश्योरेंस जब प्रोडक्ट को डेवलप किया जा रहा होता है और प्रोसेस को डिजाइन किया जाता है प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, उसी समय प्रोडक्ट के अंदर जो डिफेक्ट हैं, पोटेंशियल डिफेक्ट्स जो आ सकते हैं उन्हें प्रेडिक्ट करता है। कैटेगराइजेशन ऑफ डिफेक्ट्स लाइक क्रिटिकल, मेजर एंड माइनर, और फिर उन डिफेक्ट्स को कैटेगरीज में डिवाइड कर देता है, कौन से डिफेक्ट्स क्रिटिकल होंगे, कौन से डिफेक्ट्स मेजर होंगे और कौन से डिफेक्ट्स माइनर होंगे। एस्टेब्लिश ए क्वालिटी सिस्टम दैट कुड प्रिवेंट द ऑकरेंस ऑफ द डिफेक्ट्स, और फिर एक ऐसा क्वालिटी सिस्टम एस्टेब्लिश करता है जो कि उन डिफेक्ट्स को, चाहे वो मेजर हो, चाहे वो माइनर हो या फिर वो क्रिटिकल है, उनको कस्टमर के पास या उनको ऑकर होने से ही प्रिवेंट कर सके। डिटरमाइन द एक्सेप्टेंस क्वालिटी लेवल AQL, और फिर लॉट के हिसाब से एक्सेप्टेंस क्वालिटी लेवल डिसाइड करता है या डिटरमाइन करता है। आइए अब देखते हैं क्वालिटी कंट्रोल डिफेक्ट कंट्रोल में क्या रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले है आइडेंटिफाई द डिफेक्ट्स एंड डिफेक्टिव्स थ्रू इन प्रोसेस इंस्पेक्शन। इन प्रोसेस इंस्पेक्शन के दौरान डिफेक्ट्स और डिफेक्टिव्स को आइडेंटिफाई करना, ये पहला रोल है। दूसरा है शॉर्टिंग ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स
थ्रू 100% इंस्पेक्शन। 100% इंस्पेक्शन के थ्रू जो डिफेक्टिव पार्ट्स हैं उनको शॉर्ट आउट करना। तीसरा रूल है इंप्लीमेंट द इंस्पेक्शन प्लान टू प्रिवेंट द एस्केप ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स। अब जो इंस्पेक्शन प्लान है उसको अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करना जिससे कि कोई भी डिफेक्टिव पार्ट्स एस्केप ना हो जाए कस्टमर के पास। और फोर्थ वन है फाइनल इंस्पेक्शन एज पर AQL। जो क्वालिटी एश्योरेंस ने AQL डिफाइन किया था उस AQL के अकॉर्डिंग फाइनल इंस्पेक्शन करना। तो इसकी हेल्प से क्वालिटी कंट्रोल डिफेक्ट्स और डिफेक्टिव्स को या डिफेक्ट्स कंट्रोल करता है। आइए अब क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल को समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। परफॉर्मेंस इवेल्युएशन के बेसिस पर हम क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल को कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वालिटी एश्योरेंस की। तो क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर क्या है? क्वालिटी एश्योरेंस एक ऐसा सिस्टम है, ए सिस्टम फॉर इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस, एक ऐसा सिस्टम जो कि परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करता है, सर्विस को इवेल्युएट करता है, किसकी? क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की क्वालिटी के परफॉर्मेंस और सर्विस को इवेल्युएट करता है। अगेंस्ट ए सिस्टम, किसी सिस्टम के अगेंस्ट या किसी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट या किसी स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट जो कि कस्टमर की स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ए टायर विद ए पर्टिकुलर कार, जैसे कि किसी टायर की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना किसी पर्टिकुलर कार के साथ जब वो किसी पर्टिकुलर कार के साथ लगा हुआ है। अब स्टडी करते हैं क्वालिटी कंट्रोल को। क्वालिटी कंट्रोल क्या है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इवेल्युएशन? तो क्वालिटी कंट्रोल क्या है? ए प्रोसेस इन्वॉल्व विद इन द सिस्टम, एक ऐसा प्रोसेस है जो कि सिस्टम के अंदर ही इन्वॉल्व है। किस सिस्टम के अंदर? क्वालिटी एश्योरेंस के सिस्टम के अंदर ही इन्वॉल्व है। और जो क्या इंश्योर करता है? जॉब मैनेजमेंट को इंश्योर करता है, उसकी कंपिटेंसी को इंश्योर करता है और परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस को इंश्योर करता है। कब? ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस टू इंश्योर इट मीट्स द क्वालिटी प्लान एज डिजाइंड। क्या इंश्योर करता है ये सबको मिलाकर के, वो क्या इंश्योर करता है, वो प्रोसेस क्या इंश्योर करता है या क्वालिटी कंट्रोल क्या इंश्योर करता है कि क्वालिटी प्लान के अंदर जो भी स्पेसिफिकेशंस थी, जो भी रिक्वायरमेंट्स थी, उनको मीट किया जा सके। अब क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही होता है इसलिए ये प्रोसेस है विद इन द सिस्टम ऑफ क्वालिटी अश्योरेंस। फॉर एग्जाम्पल टेस्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ए टायर वाइल मैन्युफैक्चरिंग। अब यहां पर जिस समय टायर मैन्युफैक्चर हो रहा होता है उस समय उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना क्वालिटी कंट्रोल का काम है। लेकिन क्वालिटी अश्योरेंस क्या करता है? टायर की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करता है जब वो किसी सिस्टम के अगेंस्ट हो, यानी कि जब वो किसी कार के साथ लगा हुआ हो, तब उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना क्वालिटी अश्योरेंस का काम है। और जब टायर एक्चुअल में जिस समय मैन्युफैक्चर हो रहा होता है तब उसकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने का काम क्वालिटी कंट्रोल का है। आइए अब देखते हैं क्वालिटी अश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं एज ए टूल ऑफ क्वालिटी। तो सबसे पहले देखते हैं क्वालिटी अश्योरेंस को। सबसे पहला पॉइंट क्या है? इट इज अ वे ऑफ मैनेजमेंट, ये मैनेज करने का एक तरीका है। क्वालिटी अश्योरेंस चीजों को मैनेज करने का एक तरीका है, यानी कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करना, फिर उन्हें ट्रांसलेट करना टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स में, ऑडिट को शेड्यूल करना, क्वालिटी मैनेजमेंट को डिफाइन करना, बेहतर क्वालिटी मैनेजमेंट एस्टेब्लिश करना, ये सारी एक्टिविटीज क्वालिटी अश्योरेंस की। उसके बाद ए कंप्लीट सिस्टम टू अश्योर द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस। क्वालिटी अश्योरेंस एक पूरा का पूरा सिस्टम है जो कि प्रोडक्ट और सर्विस की क्वालिटी को अश्योर करता है, कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करता है कस्टमर को कि प्रोडक्ट और सर्विस की क्वालिटी को फुलफिल किया जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या है? इट इज नॉट ओनली ए प्रोसेस बट ए कंप्लीट सिस्टम इंक्लूडिंग ऑल्सो कंट्रोल। ये न केवल एक प्रोसेस है बल्कि एक सिस्टम है पूरा का पूरा जिसके अंदर कंट्रोल यानी कि क्वालिटी कंट्रोल भी इंक्लूड होता है। आइए क्वालिटी कंट्रोल को देखते हैं एज ए टूल ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी कंट्रोल क्या है? तो सबसे पहला
जो पॉइंट है वो है इट इज ए प्रोसेस इटसेल्फ। क्वालिटी कंट्रोल अपने आप में एक प्रोसेस है जो कि प्रोडक्ट को क्वालिटी प्रोडक्ट में बदलता है, यानी कि प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन को चेक करना, उसे इंस्पेक्ट करना, उसके एट्रीब्यूट को चेक करना, उसके अंदर मेजरमेंट्स, उसके मेजरमेंट्स को चेक करना और फिर ये डिसाइड करना कि वो प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है या नहीं है। दूसरा पॉइंट इसी बात को आगे बढ़ाता है, जस्ट मेजर्स एंड डिटरमाइंस द क्वालिटी लेवल ऑफ द प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। तो जो प्रोडक्ट बन करके आता है, क्वालिटी कंट्रोल की टीम उस प्रोडक्ट को मेजर करती है और ये डिटरमाइन करती है कि जो स्पेसिफिकेशंस हैं प्रोडक्ट की, जो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस हैं और एक्चुअल जो प्रोडक्ट की जो स्पेसिफिकेशन है वो विद इन द लिमिट है या नहीं है और उसे क्वालिटी प्रोडक्ट की कैटेगरी में रखना चाहिए या नहीं चाहिए। तो क्वालिटी प्रोडक्ट ये डिसाइड करना, ये डिटरमाइन करना मेजरमेंट करने के बाद कि प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है या नहीं, ये क्वालिटी कंट्रोल टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद है इट इज द पार्ट ऑफ द क्वालिटी अश्योरेंस। क्वालिटी कंट्रोल अपने आप में एक प्रोसेस भी है और ये क्वालिटी अश्योरेंस का ही एक पार्ट है। तो ये डिफरेंसेस हैं क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी अश्योरेंस में एज ए टूल ऑफ क्वालिटी। ओके, तो ये थे डिटेल्ड डिफरेंसेस बिटवीन क्वालिटी अश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। अब जल्दी से एक ओवरव्यू ले लेते हैं क्वालिटी अश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल के बीच में डिफरेंसेस का। तो सबसे पहले है प्रोसेस और प्रोडक्ट। क्वालिटी अश्योरेंस प्रोसेस से जुड़ा हुआ है और क्वालिटी कंट्रोल प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है किस प्रोसेस के थ्रू, प्रोसेस को कैसा होना चाहिए जिसके थ्रू ये अश्योर किया जा सके कि क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर दिया जाएगा। उस प्रोसेस को डिजाइन करना क्वालिटी अश्योरेंस का काम है, लेकिन उस प्रोसेस के थ्रू एक्चुअली प्रोडक्ट जो है क्वालिटी प्रोडक्ट ही बने, यानी कि उस प्रोसेस के अंदर किस तरह की इंस्पेक्शन की एक्टिविटीज होंगी, किस तरह की टेस्टिंग की एक्टिविटीज होंगी, इंस्पेक्शन कैसे होगा और टेस्टिंग कैसे होगा, ये सारी एक्टिविटीज को इम्प्लीमेंट करना, इन सारी ऑपरेशनल एक्टिविटीज को इम्प्लीमेंट करना क्वालिटी कंट्रोल का काम है। अब दूसरा डिफरेंस देखते हैं, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव। क्वालिटी अश्योरेंस प्रोएक्टिव अप्रोच है जबकि क्वालिटी कंट्रोल रिएक्टिव अप्रोच है। क्वालिटी प्रॉब्लम्स अराइव ही ना हो, ऑकर ही ना हो, इस बात को इंश्योर करता है क्वालिटी अश्योरेंस। और क्वालिटी कंट्रोल क्या करता है, प्रोसेस के अंदर इन प्रोसेस इंस्पेक्शन के दौरान जो क्वालिटी प्रॉब्लम्स ऑकर होती हैं उनके कॉज को फाइंड आउट करके उन्हें इलिमिनेट करने का काम, उनको करेक्ट करने का काम क्वालिटी कंट्रोल करता है। तीसरा डिफरेंस क्या है, स्टाफ फंक्शन और लाइन फंक्शन। क्वालिटी अश्योरेंस स्टाफ फंक्शन है, यानी कि इसमें सीनियर मैनेजमेंट की टीम होती है, सीनियर मैनेजमेंट लेवल के लोग होते हैं, वे डिसाइड करते हैं कि किस तरह का इंस्पेक्शन प्लान तैयार किया जाए, किस तरह का क्वालिटी प्लान तैयार किया जाए, किस तरह का कंट्रोल प्लान तैयार किया जाए, किस तरह से प्रोसेस को डिजाइन किया जाए जिसके थ्रू, और ऑडिट को किस तरह से शेड्यूल करना चाहिए जिस तरह से जिसके साथ ये अश्योर किया जा सके कस्टमर को कि क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर दिया जाएगा। इसलिए एक स्टाफ फंक्शन है, एक मैनेजमेंट फंक्शन है, जबकि क्वालिटी कंट्रोल लाइन फंक्शन है जो असेंबली लाइन के दौरान जो एक्टिविटीज होती हैं, जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज हैं, इंस्पेक्शन कैसे होना चाहिए, इंस्पेक्शन करना, टेस्टिंग करना, मेजरमेंट करना, ये सारी एक्टिविटीज असेंबली लाइन के दौरान होती हैं, इसलिए ये लाइन फंक्शन है। फोर्थ डिफरेंस है सेवन मैनेजमेंट टूल्स और सेवन न्यू क्यूसी टूल्स, और क्वालिटी कंट्रोल के अंदर है सेवन क्यूसी टूल्स। तो क्वालिटी अश्योरेंस का काम क्या होता है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को प्रायोरिटाइज करना और फिर उन्हें टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स में ट्रांसलेट करना, जिससे कि कस्टमर को ये अश्योर किया जा सके कि क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर दिया जाएगा। प्रोजेक्ट्स को शेड्यूल करना, पीडीपीसी या जिसे कहते हैं हम प्रोसेस डिसीजन प्रोग्राम चार्ट के थ्रू न्यू प्रोसेस को डेवलप करना जिसके थ्रू प्रोडक्ट जो है मैन्युफैक्चर किया जा सके, ये सारे काम क्वालिटी अश्योरेंस टीम करती है विद द हेल्प ऑफ
सेवन मैनेजमेंट टूल्स या जिन्हें न्यू सेवन क्यूसी टूल्स भी कहते हैं। अब क्वालिटी कंट्रोल टीम क्या करती है, वो असेंबली लाइन में काम करती है। तो असेंबली लाइन में प्रॉब्लम को फाइंड आउट करके उन्हें करेक्ट करना, डेटा कलेक्ट करना, और अगर कोई प्रोडक्ट जो है आउट ऑफ द स्पेसिफिकेशन जा रहा है या प्रोसेस जब आउट ऑफ द स्पेसिफिकेशन जाता है तो उसे कंट्रोल करने का काम सेवन क्यूसी टूल्स यानी कि सेवन फंडामेंटल या सेवन बेसिक क्यूसी क्वालिटी कंट्रोल टूल्स की हेल्प से क्वालिटी कंट्रोल टीम इस काम को करती है, यानी कि क्वालिटी को कंट्रोल करने का काम करती है। अब इसके बाद है प्रिवेंट द डिफेक्ट्स, फाइंड द डिफेक्ट्स। प्रिवेंट द डिफेक्ट्स क्योंकि क्वालिटी अश्योरेंस एक प्रोएक्टिव अप्रोच है, इसलिए वो डिफेक्ट्स को प्रिवेंट करती है, ऑकर होने से पहले ही रोक देती है। जबकि क्वालिटी कंट्रोल क्या है, एक रिएक्टिव अप्रोच है, प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करके उसे करेक्ट करती है। इसके बाद है क्वालिटी ऑडिट वॉक थ्रू। क्वालिटी अश्योरेंस जो है क्वालिटी ऑडिट्स को शेड्यूल करती है और क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को इवेल्युएट करती है, जबकि क्वालिटी कंट्रोल क्या करती है, वो वॉक थ्रू है। जो भी इंस्पेक्शन प्लान तैयार किए गए हैं, जो भी क्वालिटी प्लान तैयार किए गए हैं, जो कंट्रोल प्लान तैयार किए गए हैं, उन्हें एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करना क्वालिटी कंट्रोल का काम है, इसलिए ये वॉक थ्रू है। यानी कि एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन का काम तो क्वालिटी कंट्रोल टीम ही करती है। इसके बाद है डिफाइनिंग प्रोसेस और टेस्टिंग। क्वालिटी कंट्रोल के अंदर जो टेस्टिंग होंगे प्रोडक्ट के साथ में, जो टेस्टिंग होगी वो टेस्टिंग का प्रोसेस क्या होगा, उस प्रोसेस को डिफाइन करना, उस प्रोसेस को तैयार करने का काम क्वालिटी अश्योरेंस का होता है। क्वालिटी कंट्रोल का काम है टेस्टिंग करना, और टेस्टिंग का प्रोसेस क्या होगा इस बात को डिफाइन करने का काम होता है क्वालिटी अश्योरेंस का। उसके बाद है सिलेक्शन ऑफ टूल्स और इंस्पेक्शन। क्वालिटी कंट्रोल के अंदर अलग अलग तरीके से इंस्पेक्शन होता है, जैसे 100% इंस्पेक्शन भी है, फाइनल इंस्पेक्शन भी है, शॉर्टिंग भी है। तो लेकिन इन सबको डिजाइन करना कि किस तरह से इंस्पेक्शन करना है, कौन से टूल्स का यूज करना है इंस्पेक्शन के लिए, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्वालिटी अश्योरेंस की कि कौन से इंस्पेक्शन प्लान तैयार किए जाएं जिसके थ्रू इंस्पेक्शन किया जा सके। तो इंस्पेक्शन करना क्वालिटी कंट्रोल का काम है, और इंस्पेक्शन के लिए टूल्स का सिलेक्शन करना क्वालिटी अश्योरेंस का काम है। तो ये था एक क्विक ओवरव्यू क्वालिटी अश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल के बीच। तो ये थे क्वालिटी अश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल के बीच में डिफरेंसेस। आई होप कि आपको सारे के सारे डिफरेंसेस एकदम क्लियरली समझ में आ गए होंगे। तो बहुत डिटेल में मैंने आपको क्वालिटी अश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उनको आपको समझाया है। अब आप पूरी तरह से तैयार हैं क्वालिटी अश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल से जुड़े हुए डिफरेंसेस को एक्सप्लेन करने में अपने इंटरव्यू के दौरान। इस वीडियो में इतना ही। क्वालिटी से जुड़े हुए और वीडियोस देखने के लिए शेक हैंड विद लाइफ यूट्यूब चैनल पर स्विच करें। शेक हैंड विद लाइफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। कोर्स नोट्स और ईबुक्स को डाउनलोड करने के लिए मेरी वेबसाइट shakehandwithlife.in पर जरूर विजिट करें। तो मैं फिर मिलूंगा आपको एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।